दोस्तों किसी भी मोबाइल के अंदर ये जो ऐप है इन्हें कैसे हाइड करना है, कैसे छिपाना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके पास है किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन क्यों ना हो, अब सभी मोबाइल फोन के अंदर एक ऐसा हिडन फीचर आता है जिसमें दोस्तों आप सभी जो ऐप है इन्हें हाइड कर सकते हैं, इन्हें सबसे छिपा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो है ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के अंदर ऐप को हाइड करेंगे, वो भी बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किए। ठीक है, बहुत से लोग ट्रिक बताते हैं लेकिन उसमें आपको अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, तो चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ही एक ऐसा हिडन सेटिंग होता है जिससे आप ऐप को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आप हाइड करेंगे, कहाँ पर वो सेटिंग मिलेगा, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने मोबाइल के अंदर ये जो ऐप है इन्हें हाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, बस आपको कोई भी पॉइंट जो है मिस नहीं करना है। अगर आप कोई भी वीडियो का पार्ट मिस कर देंगे तो भाई आप बाद में ये जो ऐप है इन्हें हाइड नहीं कर पाएंगे, फिर आपको वही अलग से ऐप वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चीज़ अगर आप नहीं करना चाहते तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, पूरा एंड तक देखना। अब सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल में ये जो ऐप है इन्हें हाइड करने के लिए सेटिंग को ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग की मदद से ही दोस्तों आप मोबाइल में ऐप को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहां से जो है थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी। सभी मोबाइल फोन में दोस्तों ये सिक्योरिटी सेटिंग दिया होता है। ठीक है, तो आपको इसी सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने सिक्योरिटी सेटिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे आने, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, आप देख सकते हैं। तो इसी वाले सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर ये सेटिंग दोस्तों आपको नहीं मिलता है, जैसे कि ये जो सेटिंग दिया है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया है उस पर लिख करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, इसे आपको ओपन करना है। अब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो पासवर्ड आप सेट करेंगे ये पासवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप ऐप को हाइड कर लेंगे उन्हें दोबारा से ओपन करेंगे मीन्स इस्तेमाल करने के लिए, तो आपको ये पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। तो आप जो भी यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे उस पासवर्ड को आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने सेट कर दिया, दोबारा से दोस्तों आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर लेना है। दो बार आपको यहाँ पर जो है पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से कन्फर्म कर लेता हूँ, गलत पासवर्ड मैंने डाल दिया था, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बैकअप के लिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसका दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर सेट कर लेना है, जो भी आप सेट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जस्ट हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर टाइप कर देते हैं डेमो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर सेटिंग कंप्लीट हो गया है। सेटिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे तो एक हिडन फीचर दिया हुआ है, ऐप हाइडिंग। अब इसी सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इन्हें हाइड करने के लिए सबसे पहले ऊपर से ये जो व्यू हिडन ऐप्स दिया है इसे आपको ऑन करना होगा, और नीचे वाला सेटिंग भी दोस्तों आपको ऑन कर देना है अगर ऑन नहीं है तो। ठीक है, तो ये दोनों सेटिंग आप ऑन करेंगे। अब नीचे आना है, अब यहाँ पर दोस्तों जो जो ऐप दिया है उन्हें हाइड करने के लिए बस आपको इसे ऑन करना है, इसे आप डोंट शो पर करके कन्फर्म कर देना। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से दोस्तों बस आपको ऑन करते जाना है, उसके बाद ये सभी जो ऐप है आपके मोबाइल से गायब हो जाएंगे, यानी कि हाइड हो जाएंगे। ठीक है, जिन्हें जिन्हें दोस्तों आप यहाँ से ऑन कर रहे हो ये सभी ऐप दोस्तों आपके मोबाइल से हाइड हो जाएंगे, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जिस जिस को आपको हाइड करना है उसे बस आपको इसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इतने ऐप को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ये सभी ऐप मैं हाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड हो चुके हैं, बस आपको यहाँ से बैक आ जाना है। हमने यहाँ पर ऑन कर दिया, ऑन का मतलब होता है कि अब वो सभी ऐप हाइड हो गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए सभी ऐप जो है गायब हो गए हैं, ना आपको व्हाट्सएप दिख रहा है, ना इंस्टाग्राम दिख रहा है, ना ही दोस्तों फेसबुक दिख रहा है। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, है ना, जहाँ जहाँ से दोस्तों ऐप थे वो सब यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब ये ऐप कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों ये जो डिस्प्ले दिया हुआ है ना, आपको अपना दो फिंगर लेना है, इस पर इस तरह से स्वाइप अप करना है। स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, अब वही पासवर्ड आपको डालना है जो पासवर्ड आपने सेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेट किया था 1432N14। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हिडन ऐप और सभी ऐप आ गए जो जो दोस्तों हमने हाइड किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। है ना कमाल की ट्रिक, मतलब कि डिस्प्ले पर दोस्तों आपको दो फिंगर से स्वाइप अप करना है, पासवर्ड डालना है, हिडन ऐप आपके सामने आ जाएगा। और ये दोस्तों फीचर ना आजकल के सभी मोबाइल फ़ोन में आ रहा है।
आप अपने मोबाइल फोन के सेटिंग से ही ऐप को हाइड कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। तो ये दोस्तों कमाल की ट्रिक, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।